आई एम एस के सिंह फ्रॉम जयत्री अकेडमी. आई एम गोइंग टू टीच यू अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11. टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट. आवर सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी. इन आवर अकाउंटेंसी व्हाट वी डू दैट इज द मेन थिंग टू बी एक्सप्लेन. हम लोग करते क्या है अकाउंटेंसी में, ये हम लोगों को आज समझना है. बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं, लेन देन करना पड़ता है. जैसे गुड्स हम खरीदते हैं तो उसको हम लोग परचेज कहते हैं, गुड्स कभी बेचते हैं तो उसको हम लोग सेल कहते हैं. गुड्स को कर लाना पड़ता है तो उसमें कैरेज देना पड़ता है. इसी तरह से बहुत तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं. इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो हम लोग इसमें अकाउंटेंसी में इन सारे ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं. और एक खास तरीका होता है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उस तरीके से हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं. तो रिकॉर्ड करना भी इसमें विशेष प्रकार का है. इसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं, वाउचर तैयार करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं. तो ये सारे प्रोसेस बहुत ही सिस्टमेटिक हैं और सिस्टमेटिक हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है. अकाउंटेंसी का मीनिंग ही यही है कि हम जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें. रिकॉर्ड करने के बाद उनके जब लेजर बन जाते हैं, लेजर बनने के बाद ये ऐसा प्रोसेस पूरे ईयर भर, पूरे अकाउंटिंग ईयर तक चलता रहता है. और ईयर एंड में जाके उन सारे लेजर्स का अकाउंट, उन सारे लेजर्स का हम लोग जो है बैलेंस फाइंड आउट करते हैं. और फाइंड आउट करके बिजनेस के रिजल्ट फाइंड आउट करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो ये सारा कुछ सिस्टमेटिकली हिसाब से होता है. यही जो है बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम बिजनेस करते भी हैं तो हम हर समय ये जानना चाहेंगे कि अंत में हमारे पास क्या रहा, क्या हमारी प्रॉफिट हुई या लॉस हुआ. उसके लिए तो हमें हिसाब लगाना ही पड़ेगा. और अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तभी हम ऐसा कर पाएंगे. तो अकाउंटेंसी में हमारा मुख्य काम अभी रिकॉर्ड करने का है. तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं. और इसको हम लोग जो है आगे के चैप्टर्स में करेंगे. फिलहाल इतना है कि इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड करने का है. तो हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे ये सारा कुछ अलग से अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा. और यही चैप्टर्स जो है एक एक नाम से एक एक करके सामने आएंगे. जैसे जनरल है, लेजर है, इसके बाद जनरल लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनती है, इसके बाद इस तरह से बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, कैश बुक होती है, बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. और अगले लेसन में मैं आपको इसके जनरल वाले प्रोसेस से आपको इंट्रोड्यूस करूँगा. आज इतना ही. अगले दिन मैं जनरल वाले चैप्टर से इसे आगे बढ़ाऊंगा. तब तक के लिए इतना काफ़ी है. अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ.